जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल स्वप्न रहस्य में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो स्वप्न है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं। देखिए, सांप का स्वप्न ऐसा होता है, वो अधिकतर व्यक्तियों को दिखाई देता है। कोई कहता है दिखा है, कोई कहता है नहीं दिखा है। लेकिन जिनको सांप दिखाई देते हैं और अक्सर दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको साल में एक बार सांप दिखा तो आप कहोगे हमें सांप के स्वप्न आते हैं। सांप का स्वप्न का अर्थ ये होता है कि जब आपको रेगुलर सांप दिखाई दे, जैसे कि 15 दिन में एक बार दिखाई दिया, 20 दिन में दिखाई दिया, एक महीने में एक बार दिखाई दिया, इस प्रकार से अगर आपको बार बार सांप दिखाई देता है और सांप अगर आपको काला दिखाई देता है तो ऐसी परिस्थिति में उसका क्या अर्थ होता है। देखिए, अगर आपको सांप दिखाई देता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बच्चा है, बड़ा है या बूढ़ा है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको सांप दिखाई देते हैं, या काले रंग का सांप अगर आपको दिखाई देता है, तो इसका अर्थ ये है कि जो आपके पितर हैं वो आपकी प्रगति रोक रहे हैं, वो आपकी उन्नति नहीं होने देंगे। क्योंकि सांप जो होता है उसको पितर का रूप कहा जाता है, तो अगर वो आपको दिखाई देते हैं तो आपके घर में पितृदोष है, वो आपकी प्रगति नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। अगर सांप आपको दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ ये है, और जो कार्य आपके साथ अच्छा होने वाला था, यानी कोई कार्य ऐसा था जो आपका कार्य बनने जा रहा था और आपको सांप का स्वप्न दिखाई देता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो कार्य अब नहीं बनेगा, वो कार्य अब बिगड़ने वाला है। अगर आपको स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपको पितृदोष है, प्रेत दोष है, और इसी कारण से वो आपका कोई कार्य बनने नहीं देते हैं। जिसको परिवार में काली सांप दिखाई देते हैं तो उस बच्चे का विवाह भी नहीं होगा, यानी जिनको बार बार ऐसे सपने आते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि उनका विवाह नहीं होगा, क्योंकि उनके पितृ उनके विवाह में बाधा डाल रहे हैं। जिनको सांप दिखाई देते हैं, अगर वो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, किसी प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं और उनको सांप दिखाई देते हैं या मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप उस परीक्षा में सफल नहीं होंगे, आपको सफलता नहीं मिलेंगे और कुछ ही नंबरों से आप फेल हो जाएंगे। तो सांप दिखने का ये भी अर्थ होता है। सांप दिखने का अर्थ मैंने बताया है पितृ दिखना होता है, और पितरों की शांति के लिए आपको भागवत करानी चाहिए, नारायण बलि करानी चाहिए, क्योंकि पितर हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पितर नहीं हैं, लेकिन ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना माँ बाप के इस संसार में आया हो। अगर आपके माता पिता हैं तो आपके पितृ भी अवश्य हैं, क्योंकि पितृ वही होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो इस संसार को छोड़ चुके हैं, वही हमारे पितृ बनते हैं और पितृलोक में निवास करते हैं, और अपना आशीर्वाद जब वो हमें प्रदान करते हैं तो हमारे घर की उन्नति होती है, हमारे घर की वंश वृद्धि होती है और हमारे घर में धन का आगमन भी होता है। लेकिन नाराज होने पर वो सभी चीज़ें रोक देते हैं, ना ही तो हमारी शादी होने देते हैं, ना ही धन आने देते हैं, घर में बीमारियाँ होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, हमारा कोई भी कार्य नहीं बनता। तो यही कारण होता है पितरों की दुष्ट होने का। तो मित्रों, अपने पितरों को अवश्य मनाना चाहिए। आप बड़े रूप से नहीं मना सकते, बड़े स्तर पर कोई कार्य नहीं कर सकते, तो छोटे स्तर पर कार्य करें। आप अमावस्या निकालें, इतवार में उनके नाम से दूध चीनी आदि दें, और श्राद्ध पक्ष में आप उनका बहुत अच्छी प्रकार से श्राद्ध करें, और चतुर्दशी में भी बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध करें, जो भूले बिसरे हैं अमावस्या को उनको जल दें। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो पितृ शांति आपको होती है और आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।